बिंदु तख्त का गठन 4 जून को अयोध्या की धरती पर हुआ, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, और संतों की मौजूदगी में हुआ। राम जन्मभूमि के प्रमुख नित्या गोपाल जी ने सरयू नदी पर पूजा करके, महाआरती करके विश्व हिंदू तख्त का गठन किया। विश्व हिंदू तख्त ने आज मदन भारद्वाज को पानीपत का जिला का प्रमुख, हमने विश्व हिंदू तख्त का इनको बनाया मदन भारद्वाज को, और जल्दी प्रदेश की पदाधिकारियों की घोषणा हम इसी हफ्ते कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि विश्व हिंदू तख्त का गठन हमने क्यों किया, हम एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ और देशद्रोही ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त सनातन धर्म कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, सनातन संस्कृति कमजोर होती जा रही है, और कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर नाम बदल के हिंदुओं का नाम अपना के सारी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर उनको काबू करके उनको जबरदस्ती। मैं आज विश्व हिंदू तख्त की तरफ से ऐलान करता हूं कि ये विश्व हिंदू तख्त इस देश में वैसे चले, वैसे काम करेगा जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के बाल ठाकरे ने काम किया है। करो और मरो, जो लड़ाई भगवान राम ने दानवों के खिलाफ लड़ी वही संकल्प हम अयोध्या से लेकर आए, और आज का पानीपत जिले का जिम्मा हमने मदन भारद्वाज को दिया है। दूसरी, हर हिंदू को एक दिन वो निश्चित करे कि वो मंदिर में जाए। लाखों मंदिर हिंदुस्तान के अंदर हैं, अगर एक मंदिर में 100 हिंदू गए, अपनी आरती करी, अपने इष्ट देवता को याद किया, पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा, शनि चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, तो कितने करोड़ों लोग जो है एक दिन में पूजा करेंगे, कितनी घंटियां शंखनाद होंगे, कितनी घंटियां मंदिर में बजेंगी, और उस ध्वनि से सनातन संस्कृति मजबूत होगी। खाली ये ठेका हिंदुओं को मजबूत करने की जिम्मेवारी खाली मोदी जी के, योगी जी के, अमित शाह के सर पर नहीं है, अब विश्व हिंदू तक पूरे देश के नहीं, जहां भी विश्व में सनातनी बैठा है, जहां भी सनातन संस्कृति बैठी है, उनको मोदी जी की मुहिम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। इस वक्त देश, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया और देश अब योगी की तरफ देख रहा है, क्योंकि और 5 साल मोदी जी देश की सेवा कर लेंगे, लेकिन अगला देश का जो नेतृत्व है विश्व हिंदू जहां तक आता है कि वो योगी जैसा व्यक्ति आए, और उसके लिए हमें 100 करोड़ नहीं, विश्व में जहां भी सनातनी बैठा है, जहां भी सनातनी बैठा है, उसको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, आप हिंदू धर्म के लोग हथियार अप्लाई करें, अपने घर में तलवार रखें, त्रिशूल रखें, परसा रखें, अगर आपका लाइसेंस नहीं बनता तो हम दूसरे लोगों के लाइसेंस भी रद्द करवाने का काम करेंगे। हिंदुओं को अब अपने सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। अगर हिंदू खड़ा नहीं होगा तो हम मारे जाएंगे, अगर हिंदू खड़ा नहीं होगा, जब दो दो देश में चल रहा है देश, अगर देश घटा, अगर हिंदू बटा तो, हिंदू घटा तो देश बटा, हमने हिंदू को घटने नहीं देना। और मैं, हम जल्दी एक डेलीगेशन भारत के प्रधानमंत्री योगी और मोदी जी को मिलने जाएंगे, और हम एक संतों का प्रोग्राम, मैं संतों से आह्वान करता हूं, मैं पूरे देश में जाऊंगा। हमने दिसंबर तक फैसला ले लिया कि उत्तर भारत में हमने 1.5 लाख जो है मेंबर जोड़ने हैं, हम टोल फ्री नंबर अब जारी करने जा रहे हैं 2-4 दिन में, टोल फ्री नंबर जारी करके कोई भी हमें हिंदू किसी भी चीज के लिए टेलीफोन करेगा, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आन बान और शान, हिंदू धर्म की आन, सनातन की आन बान शान के लिए हम कितना भी बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, अपने बच्चों को जरूर मंदिर में लेके जाएं, क्योंकि शिक्षा स्कूलों से मिलती है, संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, संस्कार घर से मिलते हैं। अगर आप बच्चे को कहोगे सुबह कि तू पूजा करके स्कूल जा, तू मंदिर में जाकर स्कूल जा, तो उसको वो पूछेगा मंदिर में क्यों जाऊं, तो आपने मंदिर के जाने के कारण बताने हैं।